मालिकां च विधत्तिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां सारिदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जन्म ध्रुव सत्य है तो मृत्यु उससे भी और अधिक सत्य है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म भी सत्य है मृत्यु भी सत्य है, लेकिन तत्व की बात तो बोले ये है कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है जिसे हम जीवन कहते हैं उस समय को जीव कैसे बिताता है ये देखने योग्य बात है। सब आए हैं, सबको एक दिन चले जाना है। कहते हैं प्रथमे नाचते विद्या, द्वितीय नाचते धर्म, तृतीय नाचते पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्ये। चारों अवस्थाएं फटाफट फटाफट चली जाती हैं। पहली अवस्था में हमारे माता पिता या बड़े कहते हैं अरे बोले अभी तो खेल कूद की अवस्था है कि विद्या ग्रहण करा तो कोई बात नहीं। दूसरी अवस्था बोले धनोपार्जन भी तो करना है, पैसा इकट्ठा भी करना है, संपत्ति जोड़नी है। तीसरी अवस्था बोले कमा लिया लेकिन इसको व्यवस्थित भी करना है। और चौथी अवस्था में सोचते हैं कि भगवान का नाम लेंगे, लेकिन चौथी अवस्था आती है कि नहीं आती इस बात को कोई नहीं जानता। और एक दिन जब जीव आत्मा इस देह का त्याग कर देगी, सोने को छोड़ करके जाएगी धर्मराज के सम्मुख, तो वहां पर कहते हैं नजरे नहीं मिला पाती। धर्मराज प्रश्न करते हैं कि जब तुम माँ के गर्भ में थे तब तुमने कहा था एक बार इस गर्भ से उबारो। वृद्धार्थि हम प्रणतिपाल भवाद्भूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। व्यास मंच पर विराजमान पूज्य शास्त्री जी एवं महात्मा जी और इस प्रार्थना सभा में आई हुई सभी मात्र शक्तियों, आज उस धर्मात्मा जीव की निमित्त स्वर्ग श्री कैलाश चंद्र जी जो अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके इस संसार की यात्रा को विराम दे करके प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गए हैं, उस महान आत्मा के निमित्त परिवार ने जिनके बेटे कपिल जी और राजेश जी ने अपनी माता जी के आशीर्वाद से प्रेम रानी के आशीर्वाद से अपने घर में जो गरुड़ पुराण का पाठ रखा और
ऐसे जीव, ऐसे धर्मात्मा जीव के निमित्त जो महाराज कभी भी धर्म का कार्य हो, तो इन्होंने आगे खड़े हो जाना। ऐसा ये धर्मात्मा जीव इस परिवार के बीच से, जिसके वरद हस्त से कपिल जी और राजेश जी अपने पिता के वरद हस्त से वंचित हो गए हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिता के निमित्त जो घर में गरुड़ पुराण का पाठ रखा और जो भी अधोदही क्रिया शास्त्रों में वर्णन आई, उस मेरे से पहले पंडित जी ने सच सेवा परिवारवाद के बारे में बहुत विस्तार से बताया। और ऐसा परिवार जो धर्म प्रायण परिवार है, शंगरावाला शवाला में मेरे सामने कपिल जी बैठे हैं, उनके सपुत्र बैठे हैं, उनका रोज आना जाना है। और बहुत देर से लगातार मंदिर शिवाला में ये आ रहे हैं, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिता द्वारा जो संस्कार दिए गए परिवार को, उनका उस परिवार पर कितना प्रभाव है। एक पिता द्वारा संस्कार, अच्छे कर्मों के संस्कार, सद्बुद्धि के संस्कार, सच्चाई पे चलने के संस्कार, अगर एक पिता का परिवार ये पा जाता है, तो मेरा ख्याल इससे अच्छी कोई परिवार के लिए पूंजी नहीं होती। नहीं जाता कि मेरे माता पिता या पिता इस संसार से चले जाए, मगर इसके आगे तो विधि का विधान है। सुख दुख लाभ हानि या समझश, ये सब विधि के हाथ में है। मैं तो ऐसा समझता हूँ किसी के दूर है, किसी के पास है, मगर हिसाब से परिवार ने बड़े विधि विधान से बनाए, यही परिवार का कर्म होता है। और ना ज्यादा कहता हूँ, समय बहुत हो गया, परम पिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना कि उस पवित्र आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। समय के अभाव से मैं अपने एक छोटे से भजन के माध्यम से जो भी भाव है, इससे बहुत ही एक छोटे से भाव से आप समझ जाओगे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिवर सिवर नर उदर ही पारा। तो आइए क्या लिखा है, नाम जपो भई नाम जपो, ए नाम जपण दा
Sarva
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनाधि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षयं पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षवरदोद्भव कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हमरो ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जन रो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधे जंजीर कि देख लेना एक दिन तुझे ऐसी नींद आएगी देखा फिर न जागेगा और दुनिया तुझे जगाएगी। माटी कहे कुम्हार सो प्यारे तो क्या रोगे मोरे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंधूंगी तो कि मैं रोंधूंगी तो। व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय शास्त्री जी इस प्रार्थना सभा में आए हुए सभी महानुभाव एवं मेरी दिव्य मातृ शक्तियों आज बड़े ही दुखित हृदय से कहना पड़ रहा है कि हम सभी के प्रिय श्रीमान श्री कैलाश चंद्र जी जो विगत दिन अपनी इस पांच भौतिक देह का त्याग करके उन परमपिता परमात्मा के श्री चरणों को प्राप्त हो गए
उनकी आत्मिक शांति के निमित्त परिवार वालों ने, बच्चों ने, बहुओं ने, बेटी दामाद आदि सब ने सनातन रीति का अनुसरण अनुकरण करते हुए परम वंदनीय पंडित जी के द्वारा घर में भगवान गरुड़ पुराण की कथा का आयोजन किया और आज उस कथा के भोग के निमित्त तथा आप और हम सब लोग उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए उन दिवंगत आत्मा के निमित्त श्रद्धा सुमन अर्पण कर सके इस भाव से इस स्थान पर उपस्थित हुए। तो आइए सबसे पहले कुछ क्षण हम महामंत्र के जप का पाठ करें। विष्णु हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे Ramana
उस परमपिता परमात्मा की सेवा में अपने आप को समर्पण करें और खास करके गृहस्थ आश्रम के सभी धर्मों का निर्वहन करते हुए सबका लालन पालन समाज के जो जिम्मेदारी है उन सब आगे बढ़ाता है। तो ऐसे कोई और सबको यहाँ से चल के जाना है। भगवान ने कहा है गरुड़ में पुराण में भी जातस्य दुर्मृत्यु दुर्म जन्म मृतस्य च तस्मात् जलचर थलचर नभचर नाना चाहे वो जल में जीवन करने वायुमंडल में घूम रहे हो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसने इसलिए कि जहां पर आप और हम लोग रह रहे हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। क्या कि जन्म ध्रुव सत्य है तो मृत्यु उससे भी और अधिक सत्य है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म भी सत्य है मृत्यु भी सत्य है लेकिन तत्व की बात तो बोले ये है कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है जिसे हम जीवन कहते हैं उस समय को जीव कैसे बिताता है ये देखने योग्य बात है। सब आए हैं सबको एक दिन चले जाना है। कहते हैं प्रथमे नाचते विद्या द्वितीय नाचते धर्म तृतीय नाचते पुण्यम चतुर्थे किम करिष्ये चारों अवस्थाएं फटाफट फटाफट चली जाती हैं। पहली अवस्था में हमारे माता पिता या बड़े कहते हैं अरे बोले अभी तो खेल कूद की अवस्था है कि विद्या ग्रहण करा तो कोई बात नहीं। दूसरी अवस्था बोले धनोपार्जन भी तो करना है पैसा इकट्ठा भी करना है संपत्ति जोड़नी है। तीसरी अवस्था बोले कमा लिया लेकिन इसको व्यवस्थित भी करना है। और चौथी अवस्था में सोचते हैं कि भगवान का नाम लेंगे लेकिन चौथी अवस्था आती है कि नहीं आती इस बात को कोई नहीं जानता। और एक दिन जब जीव आत्मा इस देह का त्याग कर देगी सोने को छोड़ करके जाएगी धर्मराज के सम्मुख तो वहां पर कहते हैं नजरें नहीं मिला पाती। धर्मराज प्रश्न करते हैं कि जब तुम माँ के गर्भ में थे तब तुमने कहा था एक बार इस गर्भ से उबारो ऐसा इस पर प्रार्थना करती है।
जब दुख दिखता है, जब कष्ट दिखता है, जब भय क्रांत जीव आत्मा होती है, फिर उनसे कहती है बड़ा ईश्वर भाव कवि ने कहा है, आई हम तुम्हारी शरण में, आई हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आई हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हम तुम्हारी, शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हम पुजारी, तुम्हारे दर के हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, आत्मा यही नहीं रुकती बल्कि और भी अधिक प्रार्थना उस समय वहां पर करने लग जाती, क्या जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पाल तो हम है पाल, जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पाल तो हम है पाल, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर
तो कहते हैं जीव आत्मा जब धर्मराज के शरण को जाती है फिर प्राप्त से गलती हो गई है। मनुष्य जैसा हीरा जन्म मैंने पाया था लेकिन व्यर्थ की बातों में कमा लिया। इसलिए तो शास्त्रकार कहते हैं क्या चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित योवने चला चलमिदं सर्वं कीर्तियस्य सजीवनी। चलती ही रहती है आगे बढ़ती ही रहती है। चलम वित्तम जिस धन जिस संपत्ति को आप और हम लोग कहते हैं आज की हमारी है कल वो किसी और के नाम पर थी आज हम कहते हैं हमारी है कि सच ये है कि कल किसी और के नाम पर हो जाए। सजीवति यद्यपि सब कुछ जाने वाला है लेकिन इस देह को पा करके इन हाथों से जिसने सत्कर्म कर दिया इस मुख से जिन्होंने नाम पर रोग मार्गे धर्मान रोग जीव की तो जो धन संपत्ति है ना जिसने शरीर में से प्राण निकलेंगे पड़ी की पड़ी रह जाएगी। कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे प्रिय मित्र जो द्वार तक आएंगे कुछ आधे रास्ते तक आएंगे कुछ शमशान तक जाएंगे लेकिन ये शरीर भी लकड़ी के बिछोने तक साथ देता है उसके बाद ये भी साथ नहीं देगा। धर्मान को गच्छत जीव एका उसके बाद की जो यात्रा होगी वो हमारे धर्म जितना हमने किया उसके साथ होगी। इसीलिए कवि ने कहा भैया शरीर का अभिमान मत करना कब इस जीवन की शाम हो जाए किसी को कुछ पता नहीं और जो तो मेरा मेरा कर रहा है ना सब यही पर रह जाना है। तेरे साथ अगर कुछ जाएगा तो तेरे द्वारा किए हुए कुछ सब कर देगा। बड़ा सुंदर भाव कभी नहीं कहा
कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकते हैं, न कोई वायु सुखा सकते हैं, न कोई जल भी हो सकता है। वो शाश्वत है, चिरानंद है, नित्य है। लेकिन माँ अगर तुम चाहती हो ना तुम शरीर भी मुक्त हो जाए, आत्मा भी, माने को कल नहीं आज ही परमात्मा के चरणों में लगा दो। क्यों? क्योंकि बोले मन एव मनुष्याणां कानं बंद मोक्षे, मन के हारे हारे है, मन के जीते जी, मन ही मिलाए हरिसौ और मन ही कराए सती। मन है पर पूर्णिया के बारे में जैसे पंडित जी बता रहे थे कि धर्मात्मा पुरुष है, ये भी बातें गुप्त कहती है। कौन सा व्यक्ति अच्छा है, किसने धर्म के कार्य किए हैं, किसको मुक्ति मिली है और किसको नहीं मुक्ति मिली, यही संसार में सब कुछ पता चलेगा। हम आप लोगों को उपदित होता है कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो हजारों लोग कहते हैं बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, कभी धर्मात्मा आए थे हरिभद्र को और कोटन लगे कपास ये मनुष्य जो खुला मिला है। ठीक है, हम आपसे मुद्दा होगा एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, बार बार जब हम अपने भगवत में परमात्मा का ध्यान में प्राप्त हो स्वयं मेरे मन गोविंद बैकुंठ जा रहे हैं। सबसे पूछा इनको भी जो चाहिए आप उसे मांग लो। मेरे भगवान की जय, सुदर्शन राम को मेरा मन मुझे बुला है, हर पल हर क्षण आपके चरणों भगवान का सहयोग मांग। संसार में मन भटका होगा तो संसार की बातें याद आएगी, आपकी याद आएगी, अगर आपकी याद आई और व्यक्तित्व भी आज दुख का विषय ये है कि नदी को उपोष को लेगा माता पिता हमको जन्म ही तब कहीं जाकर के ये देह ये चमड़ी ये शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष के योग्य होता है। राजकुमार के पुत्र श्रीमान श्री कपूर उनके धनपति श्रीमति ज्योति, दूसरे पुत्र श्रीमान श्री राजेश जी उनके धनपति गीता जी, बेटी श्रीमती सुमन जी, दामाद श्रीमान श्री प्रवीण जी और अब सब कुछ प्राप्त हो सकता है उनके धन प्रति श्रीमती श्री प्रेम राखी जी। वृद्धार्थि हम प्रणतिपाल भवाद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। व्यास मंच पर विराजमान पूज्य शास्त्री जी एवं महात्मा जी और इस प्रार्थना सभा में आए हुई सभी मातृ शक्तियों, आज उस धर्मात्मा जीव की निमित्त स्वर्ग श्री कैलाश चंद्र जी जो अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके इस संसार की यात्रा को विराम दे करके प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गए हैं, उस महान आत्मा के निमित्त परिवार ने जिनके बेटे कपिल जी और राजेश जी ने अपनी माता जी के आशीर्वाद से, प्रेम रानी के आशीर्वाद से अपने घर में जो गरुड़ पुराण का पाठ रखा और
ऐसे जीव, ऐसे धर्मात्मा जीव के निमित्त जो महाराज कभी भी धर्म का कार्य हो, तो इन्होंने आगे खड़े हो जाना। ऐसा ये धर्मात्मा जीव इस परिवार के बीच से, जिसके वरद हस्त से कपिल जी और राजेश जी अपने पिता के वरद हस्त से वंचित हो गए हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिता के निमित्त जो घर में गरुड़ पुराण का पाठ रखा और जो भी अधोदैहिक क्रिया शास्त्रों में वर्णन आई, उस अधोदैहिक क्रिया कर्म किया। प्रभु प्रेमियों, कपिल जी और राजेश जी कहते हैं कि पंडित जी, पिता ने हमें कोई सेवा करने का मौका नहीं दिया। चलते उड़ते बैठते महाराज पंच भौतिक शरीर एक क्षण में जिन्होंने त्यागा, किसी को भी सेवा करने का अवसर नहीं दिया। ये दोनों बेटे और एक परिवार कहता है कि हमारे पूज्य पिता श्री ने हमें कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जिससे महाराज इनकी अधिक से अधिक सेवा हो सके। अंतिम समय महाराज चलते फिरते इस शरीर को छोड़ करके और इस संसार की यात्रा को विराम दे करके प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गए। गरुड़ पुराण में वर्णन आया कि एको भी धर्मात्मा, अगर एक भी पुत्र अगर धर्मात्मा होता है, सर्वं तारिते कुलम, सारे कुल का उद्धार वह पुत्र वह परिवार कर सकता है। ऐसा ही सचदेवा परिवार ने अपने स्वर्गीय श्री पिता श्री के निमित्त, कैलाश चंद्र जी के निमित्त जो भी अधोदैहिक क्रिया कर्म शास्त्रों में जिसका वर्णन आया है वो किया, और अपने माता जी के आशीर्वाद से, प्रेम रानी जी के आशीर्वाद से अपने पिता के निमित्त जो भी कर्म किए, मैं भी उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु, ये जो सचदेवा परिवार शोकाकुल परिवार है, इसको इस महान कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। हमारे बीच में महात्मा जी भी हैं, वो भी कुछ क्षण श्रद्धांजलि भेंट करेंगे, क्योंकि समय का अभाव मद्देनजर रखते हुए। मेरे से पहले पंडित जी ने सचदेवा परिवारवाद के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और ऐसा परिवार जो धर्म प्रायण परिवार है, शंगरावाला श्वाला में मेरे सामने कपिल जी बैठे हैं, उनके सपुत्र बैठे हैं, उनका रोज आना जाना है, और बहुत देर से लगातार मंदिर श्वाला में ये आ रहे हैं, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिता द्वारा जो संस्कार दिए गए परिवार को, उनका उस परिवार पर कितना प्रभाव है। एक पिता द्वारा संस्कार, अच्छे कर्मों के संस्कार, सद्बुद्धि के संस्कार, सच्चाई पे चलने के संस्कार, अगर एक पिता का परिवार ये पा जाता है, तो मेरा ख्याल इससे अच्छी कोई परिवार के लिए पूंजी नहीं होती। नहीं जाता कि मेरे माता पिता या पिता इस संसार से चले जाएं,
मगर इसके आगे तो विधि का विधान है। सुख दुख लाभ हानि या समझ ये सब विधि के हाथ में है। मैं तो ऐसा समझता हूँ किसी के दूर है किसी के पास है, मगर आज जिस हिसाब से परिवार ने बड़े विधि विधान से बनाए यही परिवार का कर्म होता है। और ना ज्यादा कहता हूँ, समय भी बहुत हो गया। परम पिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना कि उस पवित्र आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। समय के अभाव से मैं अपने एक छोटे से भजन के माध्यम से जो भी भाव है इससे बहुत ही एक छोटे से भाव से आप समझ जाओगे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिवर सिवर नर उदर ही पारा। तो आइए क्या लिखा है, नाम जपो भई नाम जपो, ए नाम जपण दा समय निकाला है। कुछ शोक प्रस्ताव भी आए हैं श्री गणेश मंदिर कमेटी गोल्डन क्लब
गणेश नगर रोड, पंजाब प्लास्टिक एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन। पूर्णमादाय पूर्णमेव वसिष्यते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए आप सब लोग मेरे साथ आरती कहें। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदरी घर आवे, दर्श मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मां श्री स्वामी शरण पढ़ो मेरे श्री, तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी, ओम जय जगे। तुम भूम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी तुम जगदीश हरे।